शहर की मोमेरा रोड पर स्थित स्मॉल वंडर किड स्कूल में आज रविवार को जल बचाओ संकल्प अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। अखिल भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एलनाबाद के विभिन्न स्कूलों के कई बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने जल संरक्षण विषय पर अपनी पेंटिंग बनाकर लोगों को भावी पीढ़ी के लिए जल बचाने का सुंदर संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवरलाल सिकरिया व जल बचाओ संकल्प अभियान के प्रवीण शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अटल सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद टांटिया ने की, जबकि सेवानिवृत्त कला अध्यापक कृष्ण कुमार सारस्वत ने निर्णायक की भूमिका निभाई। उन्होंने बच्चों को पानी के महत्व के बारे में बताते हुए इसे भविष्य की निधि बताया। कार्यक्रम में अटल सेना के शहरी अध्यक्ष अनिल सोनी, पवन पारिक, महिला अध्यक्ष नीलम डोडा, रुपेश जोशी, स्मॉल वंडर स्कूल के संचालक भूपेंद्र सिंह रासनपुरिया, जसविंदर सब्बरवाल, रामनिवास रसिया, जगजीवन राम सोनी, विनोद सोनी व शिव किरार सहित अन्य कई गणमान्य जन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर एक नन्ही बालिका ने सभी बच्चों को 5 सूत्रों पर आधारित जल बचाने का संकल्प दिलाया। चित्रकला प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक सुंदर चित्रकारी कर पानी के महत्व का संदेश दिया। इसके लिए आयोजक संस्था की ओर से सभी विजेता बच्चों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को तुलसी के पौधे देकर सम्मानित किया गया। जल संरक्षण के बारे में हमने आज एक प्रतियोगिता करवाई जिसमें बच्चों ने भाग लिया और हमारा ये संदेश था कि आगे आने वाले टाइम में जल की बहुत कमी हो जाएगी, इसकी हमें जितना बचत करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। बस इसीलिए हमने ये प्रतियोगिता करवाई और उनको हमने ये संदेश दिया। भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी हरियाणा की इकाई एलनाबाद द्वारा आज जल संरक्षण के बारे में जो एक चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें बच्चों को चित्रकला के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई कि पानी जो है, अगर जल है तो कल है, इसी विषय पर हमने ये प्रतियोगिता करवाई थी, जिसमें हमारी इकाई एलनाबाद के द्वारा इस प्रतियोगिता के अंदर आए हुए बच्चों को पुरस्कार वितरण किए गए और उन बच्चों का हौसला बढ़ाया गया और उन्हें ये शिक्षा दी गई कि पानी है तो जीवन है। इस चित्रकला प्रतियोगिता का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि जो जल बचाओ संकल्प अभियान की शुरुआत मैंने 1 जुलाई से की है, उसके अंदर भारतीय अटल सेना का ये बहुत ही विशेष योगदान है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी इकाई एलनाबाद का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जल बचाओ संकल्प अभियान में अपना ये योगदान दिया। और दूसरी बात कि ऐसे जो कार्यक्रम है, ऐसे जो आयोजन है, उनकी आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें करने की। और जल बचाओ संकल्प अभियान की अगर बात करें तो पहले हम बचपन में ये सुना करते थे कि धरती का जो भूमिगत पानी है वो लगातार नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है, कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमने बढ़ा दी और जो पानी का सदुपयोग है वो कम कर दिया, तो उसकी वजह से जो खामियाजा है वो दिन प्रतिदिन हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा ही आने वाले समय में और ज़्यादा भयंकर रूप ले लेगा ये। तो बच्चों के साथ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करना, बच्चों को इसके साथ जोड़ना, उसका जो मुख्य मनोरथ था, जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि जिस पीढ़ी के लिए हम आज ये सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण मिलेगा, स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा, उनको स्वच्छ पानी मिलेगा, उनको स्वच्छ वायु मिलेगी, तो आज हमने जो ये अभियान छेड़ा है तो उसमें हमने बच्चों को मुख्य रूप से हमारे साथ जोड़ा है कि जिस पीढ़ी के लिए आज हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा वातावरण सृजने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना उस पीढ़ी को आज से ही इन बातों के बारे में जागृत करवाया जाए, उन बच्चों को हमारे साथ जोड़ के रखा जाए, उन बच्चों को प्रतियोगिताओं के जरिए तो उनकी कला के अंदर उनकी निखार आता है और दूसरा वो ऐसे अभियानों के बारे में बड़ी भांति जानते हैं और हर चीज़ का सदुपयोग करना सीखेंगे। भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी इकाई एलनाबाद के द्वारा जल बचाओ अभियान के तहत एक छोटी सी मुहिम चलाकर बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संदेश दिया गया बच्चों के द्वारा कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल होगा तो जीवन बचेगा, क्योंकि हमारे ज़िंदगी के अंदर आने वाले समय में पानी की बहुत ही कमी होती जा रही है, सिर्फ 1% पानी ही धरती पर बचा है। इसलिए सभी लोगों से ये संदेश है, विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल की बचत करें और इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। जय जय अटल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि आगामी दिनों में होने वाले ग्राम पंचायतों, नगर पालिका व विधानसभा उपचुनावों के दौरान हमारे द्वारा चैनल पर डाले गए सभी वीडियो तुरंत और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।